Question number 4. This question is of circular measure. इस सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपने अपने कैलकुलेटर मोड को रेडियन पे कर लेना है। द डायग्राम शोज द शेप ऑफ ए कॉइन एज ए होल। दिस इज द शेप ऑफ ए कॉइन। द थ्री आर्क्स ए बी बी सी एंड सी ए आर द पार्ट्स ऑफ सर्कल विद सेंटर सी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। दीज आर थ्री आर्क्स। ए बी इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद सेंटर सी एंड ए सी इज एन आर्क विद ऑफ ए सर्कल विद सेंटर बी एंड बी सी इज एन आर्क ऑफ सर्कल विद सेंटर ए। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी अगर हम ट्राइंगल बनाएं, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब तीनों एंगल इसके 60 π/3 रेडियन में π/3 के इक्वल होंगे। तीनों एंगल इक्वल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ऑफ लेंथ 2 cm। ये भी 2 है और ये लेंथ भी 2 है और ये लेंथ भी 2 है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कॉइन। हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का मतलब है कि हमने ए बी बी सी और ए सी आर्क की लेंथ फाइंड करके ऐड कर देना है। यहां पे हम ट्राइंगल बना देंगे। ए सी ए और सी को ज्वाइन कर दें। यहां ए और बी को ज्वाइन कर दें। तो ये एंगल्स जो हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस मीन्स दैट ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल। तो ये एंगल तीनों इक्वल है। पाई बाय थ्री मीन 60 डिग्री। बट हमने डिग्री में नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है क्योंकि सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन है। तो सो ये एंगल पाई बाय थ्री, ये भी पाई बाय थ्री और ये एंगल भी पाई बाय थ्री। तो ये साइड जो है ये 2 cm है, ये भी 2 cm होगी और ये भी 2 cm क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमने क्या करना है, तीनों आर्क्स का कि आर्क लेंथ फाइंड करनी है। ए बी बी सी और ए सी आर्क्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो वो पेरीमीटर होगा इस पॉइंट का। एज ए होल दिस इज अ पॉइंट। तो सो पेरीमीटर उसको हम पी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। पी पेरीमीटर लेंथ ऑफ आर्क ए बी प्लस लेंथ आर्क बी सी प्लस लेंथ ऑफ आर्क ए सी। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू थीटा। रेडियस हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क ए बी, रेडियस इज 2 एंड थीटा इज पाई बाय 3। तीनों आर्क लेंथ जो है इक्वल होंगी क्योंकि ये इन साइड ऑफ दिस ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है। ये तीनों जो आर्क्स लेंथ हैं इक्वल होंगी। तो सो लेंथ ऑफ आर्क जो है आर थीटा, आर इज 2 एंड थीटा इज पाई बाय 3। नो लेंथ ऑफ आर्क 2 इंटू पाई बाय 3। लेंथ ऑफ आर्क बी सी, वो भी बी सी लेंथ की आर्क, बी सी आर्क की लेंथ जो है बी सी आर इंटू थीटा। आर इज 2 एंड थीटा इज पाई बाय 3। तो तीनों आर्क लेंथ इक्वल होंगे 2 इंटू पाई बाय
थ्री प्लस टू इंटू पाई बाय थ्री। अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये वी गेट सिक्स पाई बाय थ्री। दिस मीन्स दैट ये कैंसिल आउट, वी गेट पी इज इक्वल टू टू पाई। तो दिस इज द पैरामीटर, इसको हम थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में भी लिख सकते हैं। तो सो पी इज इक्वल टू 6.28 प्लस टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट पार्ट बी इज फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ए बी सी ऑफ द पॉइंट। अब हमने एरिया फाइंड करना है ए बी सी, दैट इज द फेस ऑफ कॉइन। इसका एरिया फाइंड करना है गिविंग द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई एंड अंडर रूट थ्री। एरिया हमने फाइंड करना है इस कॉइन का। इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि ए बी सी सेक्टर का पहले एरिया फाइंड कर लेंगे। ए बी सी सेक्टर का एरिया फाइंड करके उसमें से इस ए बी सी ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और ये तीनों सेगमेंट जो हैं इनके एरिया इक्वल हैं क्योंकि कांग्रुएंट हैं। एक एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करके उनको मल्टीप्लाई बाय थ्री कर देंगे और तीनों का एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो उसमें ये तीनों सेगमेंट्स के एरिया में ट्राइंगल का एरिया प्लस कर देंगे तो हमारे पास इस पूरे फेस का जो दैट इज द फेस ऑफ द कॉइन इसका एरिया आ जाएगा। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी फाइंड करेंगे, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। फिर मैं शेड करता हूँ, ये तीनों एरियाज जो हैं इक्वल हैं। सबसे पहले हम इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें पहले इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ए बी सी सेक्टर का एरिया। उसमें से ये ट्राइंगल ए बी सी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी वन ओवर टू आर स्केयर थीटा। वन ओवर टू आर स्केयर थीटा इज अ फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब आर हमारे पास क्या है, दैट इज टू, और एंगल क्या है थीटा, थीटा इज फाइव बाय सिक्स। तो सो आर टू और थीटा फाइव बाय थ्री। वन ओवर टू आर स्केयर थीटा, वन ओवर टू इंटू फोर इंटू फाइव बाय थ्री, वी गेट टू फाइव बाय थ्री। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी। अब हम ट्राइंगल ए बी सी का एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है वन ओवर टू इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज द एंगल, और दोनों साइडें जो हैं वो टू के इक्वल हैं। ये क्योंकि इक्विलेटरल एंगल है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये भी टू है, ये भी टू है, ये एंगल जो है फाइव है थ्री है। तो इजीली हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वन ओवर टू इंटू ए इंटू बी इंटू साइन फाइव बाय थ्री।
ए और बी के हैं दोनों टू के इक्वल हैं, इंटू साइन पाई बाय थ्री। साइन पाई बाय थ्री आपने यहाँ पे अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे कर लेना है, कैंसल आउट, वी गेट टू इंटू साइन पाई बाय थ्री की वैल्यू होती है अंडर रूट थ्री ओवर टू। तो ये टू भी कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट थ्री। एरिया ऑफ सेक्टर इज टू पाई बाय थ्री, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज अंडर रूट थ्री, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास ये इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी 2 पाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 3। तो इस तरह हमारे पास एक सेगमेंट का एरिया आ गया है और तीनों सेगमेंट आपस में इक्वल हैं, इनके तीनों के एरियाज इक्वल होंगे क्योंकि ये कांगुरेंट हैं। टोटल एरिया ऑफ थ्री सेगमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय थ्री कर देंगे एक इसको, एरिया ऑफ सिंगल सेगमेंट जो है ये है इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तीनों सेगमेंट के एरिया आ जाएगा। तो सो थ्री इंटू टू पाई ओवर थ्री माइनस अंडर रूट थ्री, ये थ्री जो है ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी गेट टू पाई माइनस थ्री अंडर रूट थ्री, ये तीनों सेगमेंट का एरिया आ जाएगा जिनको हमने शेड किया हुआ है, ये तीनों का एरिया आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके ऐड कर देते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना नहीं पड़ेगा, ये पहले ही हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड कर लिया, दैट इज दैट इज अंडर रूट थ्री, इसमें हम ऐड कर देंगे तो सो एरिया ऑफ फेस ए बी सी आ जाएगा फेस ऑफ द कॉइन, एरिया ऑफ फेस ऑफ कॉइन ट्राइंगल का एरिया दैट इज अंडर रूट थ्री प्लस ये तीनों सेगमेंट्स का एरिया ये आएगा टू पाई माइनस थ्री अंडर रूट थ्री, टू पाई माइनस थ्री अंडर रूट थ्री। तो इसको टू पाई हम पहले लिख लेते हैं, थ्री अंडर रूट थ्री माइनस थ्री अंडर रूट थ्री दैट इज टू माइनस टू अंडर रूट थ्री, दिस इज द फाइनल आंसर। टू पाई माइनस टू अंडर रूट थ्री दिस इज द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द कॉइन।